सिद्धार्थनगर जिले में आज जिले के महाविद्यालय संघ के अध्यक्ष मुमताज अहमद ने करोड़ों रुपए की सरकारी राजस्व पर चूना लगाने वाले कुछ पत्रकारों के खिलाफ प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। इनका कहना है कि जिले के कुछ पत्रकार पत्रकारिता का चोला ओढ़कर अवैध प्लॉटिंग का कार्य कर रहे हैं। इस अवैध प्लॉटिंग के कार्य में नियमों का जमकर माखौल उड़ाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, साथ ही करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया गया। इस अवैध व्यापार में काला धन उपयोग को लेकर भी भू दस्तावेजों के साथ खुलासा किया गया। साथ ही तथ्यविहीन भ्रामक खबर प्रसारित करने के लिए दो चैनलों के पत्रकार व उनके संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी भी जांच कराएं, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पत्रकार का औरड़मोड़ समाज में घूम रहे ऐसे लोगों की भी जांच के साथ कार्रवाई की जाए, जिससे पत्रकारिता जैसी पवित्र विधा को बदनाम करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो सके। ऐसी आपत्तिजनक आपत्तिजनक रिपोर्टिंग की है जो मुझे उसके बारे में खैर सफाई नहीं देना है, लेकिन जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है उसके विरुद्ध तो मैं कोर्ट में के जरिए उनके विरुद्ध नोटिस दिया है। बाकी कोर्ट क्रिमिनल की अलग और सिविल की अलग, लेकिन मुझे इस बारे में कहना है कि आज पत्रकार एक साफ सुथरा पेशा है, लेकिन ऐसे पत्रकार जो स्वयं जिनकी जांच में अभी भूमि की जांच में खुद इस जनपद में उनके उजागर हुए कि वो किस तरीके से अवैध प्लाटिंग करके उन्होंने सरकार को चूना लगाया, और जिसकी नोटिस सरकार अभी जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट ने उनको लगभग 29-30 लाख का उनकी नोटिस दे चुकी है, बाकी जांच और चल रही है। इसी बीच में एक और मामला प्रकाश में आया, ये लगभग 1 करोड़ काले धन का इन्होंने लेन देन अवैध तरीके से किया, जो वो भी प्रकाश में आ गया है, और वह भी जिले के हमारे काबिल मजिस्ट्रेट ने जांच की है और जांच करके वो रिपोर्ट जारी की। अब काला धन 1 करोड़ कहाँ इस्तेमाल हुआ, कैसे हुआ, ये बाकायदा बैंक के प्रूफ और रजिस्ट्री ऑफिस के प्रूफ से कराबित हो चुका है। उसके बाद ऐसे लोग जो पत्रकार बन गए ऐसे चैनलों में जिन्होंने अपने धन को छिपाने, काले धन को बचाने के लिए इन्होंने आई रोज ग्रीन सिटी के नाम से लखनऊ के नाम से कंपनी बनाई और लखनऊ में बाराबंकी में सिद्धार्थनगर में प्लाटिंग का धंधा करके सरकार को करोड़ों की टैक्स की चोरी कर चुके हैं, जिसके लिए मैं ईडी इनकम टैक्स को फाइल को सुपुर्द कर रहा हूं कि ऐसे पत्रकार ऐसे न्यूज चैनलों में रह करके जो पैसे का लेन देन बैंकों से हुआ है, किसे किसे किया गया है, कैसे किया गया है और किस आधार पर प्रेस की रिपोर्टिंग करने के लिए ये अधिकृत है लोग, ये सारी चीजों की जांच होगी और ये तथ्य सामने आएंगे, और मुझे इस बारे में कतई सफाई नहीं देना जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो अपने मीडिया चैनल चलाई है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने से कहा है कि मेरी जांच बिल्कुल होनी चाहिए, बावजूद इसके पहले इन्हीं लोगों ने हमारे बारे में 5 बार लिखा है और जांच करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप भी जितनी बार चाहे जांच करा ले, मैं उसके लिए कतई नहीं चाहता। सिर्फ इतना ही मैंने कहा है कि जो भी मेरे खिलाफ आरोप लग रहे हैं उनको एफिडेविट के साथ लिया जाए, क्योंकि ये फर्जी नामों से फर्जी तस्कर से आज तक कंप्लेंट करते चले आ रहे हैं। तो अब इसके अलावा मैं ये कोई सफाई नहीं देनी, मैं अपनी जांच स्वयं चाहता हूँ, बड़ी से बड़ी एजेंसी जांच करे और मुझे इसके बारे में कोई सफाई नहीं देनी है। लेकिन पत्रकार के नाम की जो चोला पहने हुए हैं, मैं वो उनका तो सामने आ चुका है कि वो सरकार का इस देश का करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है, एक काला धन कहां जा रहा है, एक काले धन का उपयोग कैसे किया गया, ये इसी जनपद के रजिस्ट्री ऑफिस से इसी जनपद के मजिस्ट्रेट के जांच से 1 करोड़ कैश का काले धन का पर्दाफाश हो गया है। जमीन के अवैध कारोबार का तो हो चुका, जिसमें लगभग 29-30 लाख का लगभग नोटिस कटी है, वो आप संबंधित लोगों के तहसीलदार से जान सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तथ्य जो सामने आ रही हैं, मैं इसको उजागर करने के लिए कहा हूँ कि मुझे इसकी चिंता नहीं है कि उन्होंने आरोप लगाया, हमको इतना ही से है कि राजनीतिक जीवन पूरा मैं समाज सेवा में, आज भी मैं जनपद के सबसे
अच्छे शिक्षण संस्थानों का इस जनपद के सिद्धार्थ रजिस्टर्ड जो हमारी यूनियन है डिग्री कॉलेज उसका अध्यक्ष भी हूँ। मैं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं MLC का चुनाव लड़ चुका हूँ। ऐसा नहीं कि इसके नाते मैं गलत नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे जगहों पे मैं हूँ और रहूँ। और क्या पत्रकार जगत में क्या ये पत्रकारिता का फर्ज नहीं है कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसका पक्ष भी जाना जाए? ये भी पक्ष होना चाहिए, लेकिन इसे न करके, क्योंकि वह खुद ऐसे कारोबार में लिप्त हैं ये सब रिपोर्टर और उनके भाई, ये लोग सब इसी कारोबार में लिप्त हैं और इनका नाम खुद काले धन के लेन देन में आया। जिसको मैंने नोटिस दिया है उसका खुद का नाम, अपना खुद उस रिपोर्टर का नाम काले धन के लेन देन में आ चुका। आई रोज कंपनी है, उसमें वो रिपोर्टर भी है। आई रोज ग्रीन सिटी कंपनी जो है, इसके दोनों बड़े भाई डायरेक्टर, ये एक जमीन के मामले में आ गया। जो एक जमीन है जो इसी बटन नंबर 13 में पार्टी के लिए खरीदी गई, उस जमीन में इनका काला धन सामने आ गया और उसकी रिपोर्टिंग और उसकी जांच हो चुकी है। तो ये सामने चीज आ चुका है कि उन्होंने काला धन का इस्तेमाल किया। अब ये खुद बता काला धन इनका कहां से आता है? ये अगर खाली रिपोर्टर है तो काला धन आता कहां से? चैनल के रिपोर्टर, एक तो न्यूज स्टेट के जो है उमेश जी की, जो जिनका काला धन सामने आ, काला धन पकड़ में आ चुका है। उसमें ये पार्टनर नहीं, उमर नहीं, उमर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।